नमस्कार खबरों के बुलेटिन च स्वागत मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चुनवीं खबर। सरकार ने कहा है कि देश में आउंदियां विधानसभा चोणों दौरान विदेशों में रहिंदे वोटरां लई डाक राही वोट करन दी सहूलत देना संभव नहीं है। चोण कमिश्न वालों पछम बंगाल विच लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करन दी अपील। मुख चोण कमिश्नर ने कहा कि हिंसा अते अशांति नूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने अगले महीने अपनी सेवा मुक्ति तो पहला उत्तराधिकारी वजो सब तो सीनियर जज जस्टिस एन वी रमना के नाँ की सिफारिश की। राष्ट्रीय सेहत देखभाल और संबंधित पेशा कमिशन बिल 2021 लोकसभा विच पेश। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों नूं आगामी त्यौहारों दौरान स्थानक पद्धर ते पाबंदियां लगाउण ते विचार करन दी सलाह दित्ती। दिल्ली प्रशासन ने कोरोना के वधदे मामलों के मद्देनज़र होली शबे बरात ते नरात्यां समेत होर त्यौहारों नूं जनतक थावां ते मनाउण ते रोक लगाई। विश्व टीबी दिवस मौके मोगा विच टीबी हारेगा देश जितेगा दे सिरलेख हेठ जन अंदोलन तहत 100 पिंडां विच जागरूकता मीटिंगां करवाईआं गईआं। अते कौमी त्यौहार होला महला दा पहला पड़ा अज कीरतपुर साहिब विखे गुरद्वारा पतालपुरी साहिब विखे आरंभ होया। ते हुण खबरां दा विस्थार। सरकार ने कहा है कि देश में आउंदियां विधानसभा चोणां दौरान विदेशों में रहिंदे वोटरां लई डाक राही वोट करन दी सहूलत देना संभव नहीं। अज लोकसभा विच एक लिखती जवाब दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह मामला अजे विदेश मंत्रालय के विचार अधीन है और विदेशों में रहिंदे वोटरां लई पोस्टल बैलट की सहूलत मुहैया करवाउण लई लॉजिस्टिक चुनौतियों नूं अजे हल किया जाना है। बाहर वसदे वोटरां लई इलैक्ट्रॉनिक ढंग नाल संचालित डाक वोट प्रणाली के प्रस्ताव चोण कमिशन के विचार अधीन है। चोण कमिशन ने पछम बंगाल विच लोगों नूं भयमुक्त होकर मतदान करन दी अपील की है। सिलीगुड़ी विच अज पत्रकार सम्मेलन दौरान मुख चोण कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा कि सियासी हिंसा रोकण दे निर्देश दित्ते गए ने। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात विच हिंसा ते शांति भंग करन नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनील अरोड़ा ने कहा कि सूबे विच वड्डी मात्रा विच नशीले पदार्थ नकली अते पाबंदीशुदा चीज़ां बरामद कीतियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि पछम बंगाल विच आज़ाद निरपक्ष अते शांतिपूर्ण चोणां लई सारे प्रबंध कीते गए ने। मुख चोण कमिश्नर ने कहा कि 209 जनरल ऑब्जरवरां तो इलावा 54 पुलिस ऑब्जरवर भी सूबे विच तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सारे ज़िलों के चोण अधिकारियों को कहा गया है कि वह कोविड नियमों की पालना यकीनी बनाउण। जिक्रयोग है कि भारतीय चोण कमिशन की पूरी टीम दो दिन दौरे पर कल सिलीगुड़ी पुजी। टीम ने सूबे के मुख सकत्र अलापन बंदोपाध्याय ते सूबे के पुलिस महानिदेशक नीरज नयन पांडे नाल अज सवेरे चोणां दीआं तैयारियां की समीक्षा की। कल चोण कमिश्नर वालों वीडियो कॉन्फ्रेंस राही जिला चोण अधिकारियों सीनियर प्रशासनिक अते पुलिस अधिकारियों नाल विचार वटांदरा किया गया सी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने अगले महीने अपनी सेवा मुक्ति तो पहला उत्तराधिकारी वजो सब तो सीनियर जज जस्टिस एन वी रमना के नाँ की सिफारिश की है। जस्टिस रमना 48वें चीफ जस्टिस वजो नियुक्त करन की सिफारिश करदिया जस्टिस एस ए बोबड़े वालों कानून मंत्रालय नूं चिट्ठी भेजी गई है। जस्टिस एन वी रमना 24 अप्रैल नूं अगले चीफ जस्टिस वजो अहुदा संभालणगे ते 26 अगस्त 2022 नूं सेवा मुक्त होणगे। राष्ट्रीय सेहत देखभाल अते संबंधित पेशा कमिशन बिल 2021 नूं अज लोकसभा विच पेश कीता गया। इस बिल विच सेहत देखभाल अते संबंधित पेशेवरां दी सिक्ख्या अते पेशे नूं नियमित करन अते स्टैंडर्डाइज़ करन दा प्रस्ताव है। इस बिल विच सेहत देखभाल अते संबंधित पेशियां लई राष्ट्रीय कमिशन दे गठन दा प्रस्ताव है। बिल विच इह वी प्रबंध कीता गया है कि सूबा रजिस्टर जां कौमी रजिस्टर विच नामजद व्यक्तियों नूं छड्ड के कोई भी सेहत देखभाल अते संबंधित पेशा नहीं कर सकेगा। सदन विच इह बिल पेश करदिआं सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस बिल दे पास होण नाल सेहत देखभाल अते इस नाल जुड़े खेतरां विच पेशेवरां लई रोज़गार दे मौके वधणगे। उन्होंने कहा कि इस खेत्र विच पेशेवरां दी काफ़ी मंग है ते बिल पास होण नाल लोकां नूं किफायती सेहत संभाल सेवावां उपलब्ध करवाउण लई लोड़ीदा प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कोरोना के लगातार वधदे मामलों के मद्देनज़र सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों नूं आगामी त्यौहारों दौरान स्थानक पद्धर ते पाबंदियां लगाउण ते विचार करन दी सलाह दित्ती है।
केंद्रीय सेहत मंत्रालय के वधीक सकत्तर आरती आहूजा ने सूबों के मुख्य सकत्तरां ते केंद्रीय प्रबंधक प्रदेशों के प्रशासकों नूं सलाह दी है कि वह होली शबे बरात बिहू ईस्टर ईद उल फितर आदि त्यौहारों जनतक तौर पर मना तो रोकण और लोगों के इकट्ठ को घट करने बारे विचार कर सकते हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि इस समय मंत्रालय वालों कोविड-19 के फैलाव को रोकने लिए जारी किए गए स्टैंडर्ड संचालन प्रक्रिया को लागू करने में ढिल मठ नाल हुण तक प्राप्त की गई उपलब्धियां और लाभ बेअसर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनतक थावां ते इकट्ठ दौरान उचित कोविड विहार की सख्ती नाल पालना नाल ही कोविड की लाग की कड़ी को तोड़िया जा सकता है, जिस नाल देश में कोरोना मामलों में कमी लियांदी जा सकती है। उधर दिल्ली प्रशासन ने कोरोना के वधदे मामलों के मद्देनज़र होली शबे बरात और नरातियां समेत होर त्यौहारों को जनतक थावां ते मनाउण ते रोक लगा दी है। दिल्ली आफत प्रबंधन अथॉरिटी ने सारे जिला अधिकारियों ते पुलिस समेत होर एजेंसियों को निर्देश दिता है कि आगामी त्यौहारों दौरान जनतक थावां बाज़ारां अते धार्मिक थावां ते भीड़ इकट्ठी ना होण देण। दिल्ली सरकार ने दूजे सूबों तो आने वाले यात्रियों लिए कल RTPC जांच कराने के निर्देश दिए। यह हुक्म हवाई अड्डिया रेलवे स्टेशन ते अंतरराजी बस अड्डिया ते लागू होगा। मुंबई में भी कोरोना मामलों में वाधे के मद्देनज़र स्थानक प्रशासन ने सारिया जनतक और निजी थावां ते होली समागम कारण ते पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने पंजाब अते महाराष्ट्र विच लगातार वध रहे कोविड मामलों नूं चिंता दा गंभीर विशा दस्या है। सेहत मंत्रालय दे अधिकारियों ने नवी दिल्ली विच ब्रीफिंग दौरान दस्या कि इस समय देश विच 3,68,000 एक्टिव कोरोना मरीज़ मौजूद ने, जो कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों का 3% बनते हैं। नीति आयोग के मैंबर सेहत डॉक्टर VK पॉल ने दस्या कि पंजाब महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल तो 45 साल तो वध उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू हो जाएगा तो लोग बेझिझक कोरोना टीका लगवाने लिए अगे आने और कोरोना विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा पाने। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन वांग कोविशील्ड टीका भी पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावशाली है। डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि माहिरां दी राय ते कोविशील्ड टीके दीआं खुराकां दा अंतराल 4 to 8 हफ्ते किया गया है। डॉक्टर पॉल ने दस्सिया कि भारत में इस वेले कोरोना वायरस के 771 वेरियंट पाए गए हैं। फर्स्टली वैक्सीन के उपलक्ष्य में बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। क्या वैक्सीन की एलिजिबिलिटी का दायरा बहुत बड़े स्केल पर बढ़ाया जा रहा है और ये अब इस तरह से संभव हो सका है कि हमारे वैक्सीन की उपलब्धता अश्योर्ड है, बहुत अच्छी है और आगे बढ़ रही है। दूसरा, हमने देखा है कि हमारे सिस्टम्स परफॉर्म कर रहे हैं, SOPs परफॉर्म करते हैं, हमारा IT प्लेटफॉर्म परफॉर्म कर रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एट दी वैक्सीनेशन साइट लेवल हैज नाउ बिकम सीमलेस एंड वेरी रोबस्ट। और जैसे जैसे ही हम स्टेज वाइज आगे बढ़े हैं, हमें कॉन्फिडेंस मिला है कि स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट टीम्स और सबके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में अब हम तेज गति ला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम आज विश्व TB दिहाड़ा है। TB के मरीजों को जागरूक करने लिए इस दिन कई समागम करवाए जा रहे हैं, क्यों जो इस बीमारी का सीधा असर छाती ते पैंदा है ते इस नाल कई बार साह लैण विच भी मुश्किल आती है। कोरोना काल के मौजूदा दौर में TB मरीजों को वधेरे चौकस रहने की सलाह सेहत माहिरां वालों दी गई है। आम तौर पर कुछ मरीज TB के इलाज दौरान अपनी दवाई अध वाटे छड़ जाते हैं। मौजूदा दौर च इस तरह की लापरवाही भारी पै सकती है। TB के मरीजों को सलाह दी गई है कि वह किसी भी होर इलाज दौरान अपनी TB की दवाई पहलां की तरह ही खाते रहन। नैशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम तहत 2025 तक TB के मिथे टीचे पूरे करने लिए TB हारेगा देश जितेगा दे सिरलेख हेठ देश भर में चल रहे जन अंदोलन तहत अज मोगा जिले के 100 पिंडां विच जागरूकता टीम मीटिंग करवाईयां गईयां। जिला TB अफसर डॉक्टर इंद्रवीर सिंह गिल की अगवाई में हुई नुक्कड़ मीटिंगां दौरान लोगों को TB की बीमारी के लक्षण, मुफ्त जांच और मुफ्त इलाज बारे जागरूक किया गया। वख-वख पिंडां विच मीटिंगां नूं मैडिकल अफसरां ते कम्यूनिटी हैल्थ अफसरां ने संबोधन किया। पिंड फतेहगढ़ कोरोटाणा विखे रूरल मैडिकल अफसर डॉक्टर दलजीत सिंह संधू ने पिंड वासियों नूं जागरूक करदिआं दस्सिया कि सरकार वल्लों TB दी बीमारी दे मरीजां नूं मुफ्त दवाई दे नाल नाल 500 रुपए महीना दी पोषण सहायता भी दित्ती जा रही है, जो कि सीधा लाभ तबादला राही मरीजां दे खाते विच पाई जांदी है। इस मौके डॉक्टर संधू दी अगवाई विच TB खिलाफ़ लड़न दा अहद भी लिया गया।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀ ਬੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ ਬੀ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਟੀ ਬੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ ਬੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀ ਬੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀ ਬੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ CHOs ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ NNOs ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਟੀ ਬੀ 2025 ਤੱਕ ਟੀ ਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀ ਬੀ ਹੁਣ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਟੀ ਬੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਗੇ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਰ ਚਿੰਕੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਕੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਮਨੂ ਭਾਖੜ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸਰਨੋਬਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।